हालेलुया। मत्ती 1:23 पढ़ेंगे उस वचन के द्वारा, और हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हमारी बहन पढ़ेंगी मैथ्यू 1:23। हालेलुया, ध्यान से वचन सुनिए। जो बाइबल लाए हैं वो बाइबल को देखें, और जो नहीं लाए हैं वो हमारे स्क्रीन को देखें। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। 2022 साल पहले परमेश्वर ने ये घोषणा की, यशाया नबी के द्वारा, यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले ये घोषणा की गई कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कौन होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। गर्भवती का, कुंवारी का गर्भवती होना उस समय बहुत पाप था और आज भी पाप है। क्या कुंवारी गर्भवती होती है? अगर वो कुंवारी गर्भवती होती है तो वो औरत सही नहीं है, वो पाप कहलाता है कि नहीं कहलाता है? आमीन। लेकिन परमेश्वर ने कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म दिया। क्यों? ये बहुत जरूरी है जानना। हालेलुया, हम और आप माता पिता के संबंध से पैदा होते हैं। हालेलुया, कोई भी इंसान बिना आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं होता। होता है कि नहीं होता ना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इंसान धरती पर आता है माँ बाप के संयोग से, तो उसमें पाप का बीज आ जाता है, क्योंकि हर इंसान जो धरती पर है उसमें पाप है, कोई पवित्र नहीं है। हालेलुया, तो जब इंसान माँ के कोख से, पिता के मिलाप से जब पैदा होता है तो उसमें पाप का बीज होता है। लेकिन यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। वो मरियम के कोख में आया, कुंवारी के कोख में आया, और किसके सामर्थ्य से उसे जन्म लिया? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्म लिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह सामान्य रीति से धरती पर नहीं आया, कुंवारी की कोख से जन्म लिया, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। वो कुमारी थी, वो पवित्र थी, और महापवित्र थी वो औरत। उसने किसी को छुआ नहीं था, उसने किसी को देखा नहीं था। यूसुफ जो उसका मंगेतर था, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पवित्र परमेश्वर की योजना अद्भुत है। जब पिता परमेश्वर काम करता है ना, तो उसका कोई भी रास्ता, कोई भी उसका काम पकड़ नहीं सकता है। वो महान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री कहता है कि वो ही है हर चीज का रचयिता, उसके नाम से हर चीज रची जाती है, उसके द्वारा रची जाती है, उसके लिए रची जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुंवारी के पेट से जन्म हुआ यीशु मसीह, और बाइबल क्या कहती है? उसका नाम इमैनुअल रखना। और इमैनुअल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। अच्छा लगता है कि नहीं? कि मेरे साथ कौन है? आमीन, हालेलुया। क्या 2000 साल पहले, उससे पहले परमेश्वर साथ नहीं था? क्या परमेश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई? बनाई थी, लेकिन आप लोग शैतान के कब्जे में थे, आपकी बुद्धि शैतान ने बंद कर दी थी, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझ नहीं पा रहे थे। यीशु मसीह क्यों आया? ताकि आपको पाप से छुटकारा दे दे। जब तक पाप आपके अंदर रहेगा, जब तक पाप में आप ग्रस्त रहेंगे, आपकी बुद्धि बंद रहेगी, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वो पाप जो आपके अंदर है, जो आपके लहू में है, वो निकल जाए। इसीलिए उन पापों को जो आपके अंदर है, उसको निकालने के लिए यीशु मसीह ने पवित्र मरियम की कोख से जन्म लिया, और पवित्रता का आशीष लेकर उसने अपना पवित्र लहू बहाया। और बाइबल कहती है कि जो उसके लहू पर विश्वास करेगा वो
पूरी तरीके से पापों से मुक्त हो जाएगा। इन्हें परमेश्वर हमारे साथ है, और जब आप पवित्रता के साथ यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं तो आपके संग कौन रहता है? आपके संग कौन रहता है? आपके संग कौन रहता है? लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो क्या कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है? वो सर्वशक्तिमान पिता जिसने सृष्टि की रचना की, आमीन। अगर आपका जमीनी पिता एक बच्चे के साथ है तो क्या उस बच्चे का तरीका ही अलग होता है? जब वो बाजार में जाता है कहता है मेरा बाप मेरे साथ है, आपके अंदर सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा पापा है मेरे साथ, है ना? अब आप सोचिए कि अगर स्वर्ग का रचयिता, धरती का रचयिता आपके साथ है तो आपकी चाल कैसी होगी? Praise the Lord! क्या आपके अंदर डर होगा? नहीं। कोई भी परीक्षा, कोई भी विपत्ति अगर आपके सामने खड़ी होगी, आप कहेंगे अरे हट विपत्ति, अरे हट परीक्षा, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि जब यीशु साथ में होता है, जब परमेश्वर साथ में होता है, आपके बरकत की आशीषें खुल जाती हैं, आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें बहती हैं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं, और हमारे चर्च में जितने भाई बहन आते हैं सब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने सबके जीवन में काम किया है। क्यों? क्योंकि उसका नाम इमैनुअल है, क्योंकि वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी घबराने का नहीं है, वो हमारे साथ है। अब मैं आपको बताता हूं कि उसके साथ होने का मतलब क्या है। जैसे यीशु मसीह पैदा हुए, बाइबल बताती है कि पूर्व की दिशा से कुछ जोशी आए। हेलो, ध्यान से समझिए, अपने बच्चों को संभालिए। जैसे यीशु मसीह आपके दिल में जन्म लेता है, जैसे यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लेता है, आपके दरवाजे खुल जाते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आप चाहते हैं आपके जीवन के दरवाजे खोलें? Yes. आप चाहते हैं आपके बरकत के दरवाजे खोलें? Yes. आप चाहते हैं कि आप कर्जों से मुक्त हो जाएं? Yes. आप चाहते हैं कि आशीषों की बारिश आपके जीवन में रोज हो? Yes. हालेलुया। यीशु मसीह को अपने अंदर ले आइए, यीशु मसीह को अपने अंदर ले आइए। हालेलुया। यीशु का जन्म आपके अंदर हो, बस। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म हुआ, और जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ तो ज्योतिषी दूर देश से आए। मती 2 का 10, 11 और 13 हम पढ़ेंगे। मती जो है, दूर देश से ज्योतिषी आए किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? यीशु मसीह को देखने के लिए। अब देखिए परमेश्वर कैसे काम करता है। जब परमेश्वर आपके साथ होता है तो कैसे आपके जीवन में आशीषें आती हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, हेलो, कोई बात मत करिएगा, अगर आप बात करेंगे तो आज चूक जाएंगे आप। आपके जीवन में आशीषें कैसे आएंगी? जिस दिन आप यीशु मसीह के जुड़ जाते हैं, आपके जीवन में आशीषों की बारिश होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मती 2 का 10 और 11, जोशी आए और जोशियों को नहीं पता था कि कहां है वो बच्चा, कहां पर है वो यीशु, कहां पर है। हालेलुया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी अब माता, जोशी आए, जोशियों को राह कौन दिखा रहा है? तारा। आमीन। आपके घर तक पहुंचने के लिए आपकी आशीषों को राह कौन दिखाता है? परमेश्वर। आप घर में चुपचाप बैठे, आप बैठे कि यार क्या करें, कल की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, ये महीना चला गया, अगला महीना आ रहा है, किराया कैसे देंगे, कैसे बच्चों की फीस दी जाएगी, कैसे होगा। आपको नहीं पता कि क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपका दरवाजा परमेश्वर खोल रहा है।
आपको नहीं पता, आप अकेले घर में बैठे हुए हैं, आप उदास हैं, आप कहेंगे अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु कहता है, जिस दिन यीशु मसीह आपके अंदर आया, जिस दिन आपने यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता जोड़ा, परमेश्वर आपके साथ काम करने लगता है। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जोशी जो पूरब देश से आ रहे थे, उसको दिशा किसने दिखाई? एक तारे ने। हेलो, कभी देखा आपने तारे को चलते हुए? तारा स्थिर होता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है ना, तो सृष्टि आपके साथ है। जब परमेश्वर आपके साथ है तो सृष्टि आपके साथ चलेगी। आप जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। उस तारे ने जोशियों को राह दिखाया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन, हालेलुया। क्या मरियम ने कुछ मांगा? नहीं। क्या मरियम ने कहा है जोशियों आओ, मैंने यीशु को जन्म दिया है, मुझे कुछ दो? मरियम जानती थी उनको? नहीं जानती थी। मरियम ने क्या किया? सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पे चली। हालेलुया। मरियम ने क्या किया? उस वचन को ग्रहण किया जो परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। मरियम ने क्या किया? परमेश्वर की योजनाओं से प्रेम किया। हालेलुया। और हुआ क्या? जब जोशी आए, जब देखा, तो उस मरियम के सामने, यीशु के सामने दंडवत किया और सोना निकाल कर दे दिया। हेलो, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी देखा आपने? कभी देखा है? नहीं देखा ना। जब आप परमेश्वर को अपना बना लेंगे, जब आप यीशु को अपना बना लेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ चलेगा। परमेश्वर आपके साथ चलेगा। मरियम को नहीं पता था ये जोशी आने वाले हैं। मरियम को नहीं पता था ये लोग आने वाले हैं, क्योंकि वो तो छुपके बैठे थे हेरोदेस से। लेकिन क्या किया? परमेश्वर ने उनके द्वारा आशीषों का भंडार लगा दिया उसके घर में। हालेलुया। मैं बॉलीवुड से हूं, 10 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं। मैं 10 फिल्मों का हीरो रह चुका हूं और कितने ही तमाम सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए हैं, सोनी स्टार जी पर, दूरदर्शन पर। कितनी सीरियल्स मैंने, गॉस्पल सीरियल्स आप पे डायरेक्ट किए हैं, जॉनी भाई, प्रेम चोपड़ा वगैरह को लेकर, परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं ना, तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, अद्भुत काम करता है। आप बीमार हो, आप कष्ट में हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, आपको बस ये सोचने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के साथ कैसे बना रहूंगा, कैसे बना रहूंगा। वो परमेश्वर है, वो यीशु है, उसके नाम का मतलब है कि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप प्रॉब्लम्स में आते हैं कि नहीं आते? हर एक कोई आता है, हर एक कोई प्रॉब्लम में आता है और डर जाता है। अब क्या होगा आगे वाले समय में, क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह बताता है, जिस दिन आपने यीशु मसीह का हाथ थाम लिया, हालेलुया, वो क्या कहता है? इब्रानियों 13:5 निकालिए, इब्रानियों 13:5। जिस दिन आपने उसका हाथ थाम लिया, जिस दिन उसने आपका हाथ थाम लिया, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। हेलो, कब कहता है वो? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप समझ रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। मनीष उठो, उठो मनीष। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को समझने की कोशिश करिए। जब परमेश्वर आपके साथ होता है, जब यीशु मसीह आपके साथ होता है, तो वो कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं, परमेश्वर आपसे दूर रहेगा, आप परमेश्वर से दूर है। और अगर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तो आप विश्वास करेंगे? आप कहेंगे परमेश्वर मुझे पहले पकड़ तो लो, आपने मुझे पकड़ा तो है ही नहीं, और आप मुझे कह रहे हो कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आप किसको बोलेंगे कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा? आप उसको बोलेंगे जिसको आपने पकड़ा होगा। हेलो, समझ रहे हैं आप? अगर मैंने इसको पकड़ा है, तब मैं बोलूंगा मनीष मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हेलो, आमीन। जब आपने यीशु मसीह को अपना बना लिया, जब यीशु मसीह आपके अंदर आ गया, जब आपका संबंध यीशु मसीह से हो गया, तो यीशु मसीह कहता है मनीष मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। हेलो, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसके साथ रहना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह को अपनाना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह का नाम अपने अंदर रखना है, हमें सिर्फ रोज देखना है कि मेरा यीशु मेरे अंदर है कि नहीं है। हेलो, जिस तरह आप रोज शक्लें देखते हैं, अपना आईने में देखते हैं, 10 बार शीशा देखते हैं ना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं अच्छा लग रहा हूँ, आज मेरे बाल कैसे हैं, आज मेरी शक्ल कैसी है, आज मेरी कमीज कैसी है, आज मेरी टाई कैसी है, आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हालेलुया। इसी तरह आपको रोज देखना है मेरा यीशु मेरे अंदर है कि नहीं है, मेरा यीशु मेरे अंदर है कि नहीं है। कोई भी काम करने से पहले यीशु से संबंध बना के रखिए कि मेरा यीशु से संबंध अच्छा है कि नहीं अच्छा है। जिस दिन यीशु से संबंध आपका अच्छा होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई भी विपत्ति, कोई भी दीवार, कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। अगर वो मेरे साथ है, वो कैसे काम करता है आपको पता है? हेलो, आपको पता है? दूसरा पत्रस 2:3 निकालिए, दूसरा पत्रस 1:3। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। बोलिए परमेश्वर हमारे साथ है। अरे जोर से बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप महसूस किया आपने आज कि परमेश्वर मेरे साथ है, और यहां से जाते हुए अगर परमेश्वर को लेकर गए, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये 2023 आपके जीवन में अद्भुत आशीषें लेकर आएगा। ये 2023 साल आपके जीवन में अद्भुत बरकत की आशीष लेकर आएगा, अगर यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। और वो कैसे काम करता है देखिए, हालेलुया, दूसरा पत्रस 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ, बोलिए सब कुछ, बोलिए सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। आपके जीवन से संबंध रखने वाली सारी चीजें, आपकी भक्ति से संबंध रखने वाली सारी चीजें, आपके जीवन में क्या क्या चाहिए आपको? रोटी, कपड़ा, मकान, धंधा, मान सम्मान। हेलो लोई, आमीन। क्या चाहिए आपको? अपने जीवन से जुड़ी क्या चीजें आपकी? आपकी रोटी, कपड़ा और मकान रोज का चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। आपको मान सम्मान चाहिए, बच्चों की सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, हेलो लोई, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, क्या चाहिए? ये जीवन में चाहिए। रो क्या कहता है? क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसकी पहचान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, दे दिया है। देने वाला नहीं है, दे दिया है। जिसने, कितनों ने इस वचन को ले लिया है? विश्वास के संग हाथ उठाइए। अगर आपने इस वचन को अभी लिया है, अभी से आपके जीवन में बरकत होगी, अभी से आपके जीवन में बरकत होगी। मैं चैलेंज करता हूं,
आपके कर्जे पहाड़ बनकर आपके सामने खड़े हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है विश्वास के संग, ऐसा पहाड़ टूट जाएगा। कर्जों का पहाड़ टूट जाएगा, चिंता का पहाड़ टूट जाएगा, परेशानी का पहाड़ टूट जाएगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आमीन। कौन है मेरे साथ? कौन है मेरे साथ? कौन है हमारे साथ? हालेलुया। यही है क्रिसमस। जिसने इस क्रिसमस को समझ लिया, जिसने यीशु को जान लिया, जिसने यीशु को अपने अंदर जन्म दे दिया, हालेलुया, वो हमारे साथ है। और वचन क्या कहता है? जीवन और भक्ति से संबंध हर वो चीज जिसकी आपको जरूरत है वो आपको दे चुका है। देने वाला नहीं है। हेलो, अब आपको लेना है। हेलो, अब आपको लेना है। अब आपको लेना है। कैसे बनना है? उसका पुत्र बनकर लेना है। हालेलुया। उससे बोलिए, हे यीशु, मैं तेरा पुत्र हूं। बोले, यीशु मैं तेरा पुत्र हूं। यीशु मैं तेरी पुत्री हूं। हालेलुया। मैंने तुझे ग्रहण किया है, मैंने तुझे अपना बनाया है, तू मेरा पिता है। हालेलुया। जिस दिन विश्वास के संग, आज से जब आप विश्वास के संग उसको अंगीकार कर रहे हैं, आज जब विश्वास के संग उसे ग्रहण कर रहे हैं, आज जब विश्वास के संग उसे आप प्रभु मान रहे हैं, हालेलुया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं, जितने भी नए लोग बैठे हैं, अद्भुत आशीषों की बारिश आपके जीवन में होगी। अद्भुत। यीशु मसीह का नाम लेके हर काम शुरू करिए। अपने जीवन का हर काम यीशु मसीह को लेकर शुरू करिए। सुबह उठते यीशु मसीह का धन्यवाद दीजिए। कैसे धन्यवाद देंगे? धन्यवाद यीशु, मैं तेरा पुत्र हूं। धन्यवाद तूने मुझे पुत्र बनाया। धन्यवाद तूने मुझे पुत्री बनाया। धन्यवाद तूने मुझे शुद्ध किया। धन्यवाद तूने मुझे पापों शापों से मुक्त किया। धन्यवाद तूने मुझे अपनी धार्मिकता दी। धन्यवाद तूने अपनी आत्मा दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि जब आप धन्यवाद करते हैं, आपके आसपास की अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से टूट जाती हैं। यीशु के नाम में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो निकल जाती हैं। क्या प्रॉब्लम यीशु मसीह लेकर आया आपके जीवन में? क्या यीशु मसीह प्रॉब्लम लेकर आया? क्या परीक्षाओं में यीशु मसीह ने डाला? क्या कर्जों में यीशु मसीह ने डाला? नहीं। किसने डाला? शैतान ने। क्यों? क्योंकि आपके पास यीशु मसीह का नाम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आपके सर में दर्द होता है, जब आपका कैंसर होता है, जब आपके आपके लिवर में प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर क्या बोलता है? दवाई लो। क्या कहता है डॉक्टर? क्या कहता है डॉक्टर? एंटीबायोटिक लो, दवाई लो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में दर्द है, अगर आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, अगर आपके जीवन में दुख है, अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, दवाई लो यीशु के नाम की। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर हर बीमारी को निशान निकाल चुका है। बाइबल कहती है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से। एक साथ बोलिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। अंगीकार करिए। हालेलुया। आप नहीं जानते हैं, आज यीशु मसीह आपके दिल में जन्म लिया है। आज यीशु मसीह ने आपके दिल में जन्म लिया है। अब अंदर कोई अंधकार नहीं है। अब बोलिए, मेरे अंदर कोई अंधकार नहीं है। मेरे अंदर यीशु की ज्योति है। मेरे अंदर यीशु का सामर्थ है। मेरे अंदर यीशु का सामर्थ है। वो क्या कहता है? उसने ईश्वरीय सामर्थ से, आप जानते हैं ईश्वरीय सामर्थ क्या होता है? ईश्वरीय सामर्थ से परमेश्वर ने आज से हजारों साल पहले चांद को दिन की रोशनी के लिए बनाया। हजारों साल पहले परमेश्वर ने ईश्वरीय सामर्थ से चांद को रात की रोशनी के लिए बना दिया, हवाओं को चला दिया, पेड़ पौधों में फल दे दिए। हालेलुया। पूरी सृष्टि की रचना की किससे? उसने ईश्वरीय सामर्थ से। उसी ईश्वरीय सामर्थ से उसने हमारे लिए जीवन और भक्ति से संबंधित
जो कुछ भी है वो हमें प्रदान कर दिया है। आज इस धरती के ऊपर आकाश टंगा हुआ है किसके द्वारा? ईश्वरीय सामर्थ्य, परमेश्वर के ईश्वरीय सामर्थ्य आपके ऊपर आकाश है। परमेश्वर के ईश्वर सामर्थ्य ये हवाएं चल रही हैं। परमेश्वर के ईश्वर सामर्थ्य आपको दिन में उजाला मिल रहा है। परमेश्वर का ईश्वर सामर्थ्य आपको जीवन दे रहा है। वही ईश्वरीय सामर्थ्य आपको जीवन और भक्ति से संपूर्ण हर चीज दे चुका है। आमीन। अब आपको लेना है, अब आपको संदेह नहीं करना है। बोलिए, मैं संदेह नहीं करूंगा। अपने पड़ोसी को बोलिए, संदेह मत करना। अपने पड़ोसी से बोलना, भैया संदेह मत करना। अपने पड़ोसी से बोलो कि यीशु मसीह के नाम में संदेह मत करना। क्या कहा? यीशु के नाम पर। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो, यीशु मसीह के नाम पर संदेह मत करो। हेलो, आप इसको मजाक मत समझिए। मैं आपको क्यों हिला रहा हूं? ताकि आपको याद रहे वो नाम। ताकि आपके जीवन में यीशु काम करे अभी से। आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में काम करे? आप चाहते कि नहीं चाहते? आप चाहते कि नहीं चाहते? बोलिए, मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यीशु आज ही अभी से मेरे जीवन में काम करे। विश्वास करिए, विश्वास करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जब नेक्स्ट वीक आएंगे ना, आप गवाही देंगे कि आपके जीवन में काम हुआ है। आप जब अगली बार आएंगे, अगर आपने विश्वास के संग ग्रहण कर लिया है, आप अगली बार आएंगे, आपके जीवन में अद्भुत आशीषें बरसेंगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत महान है, प्रभु बहुत महान है। मैं आपको बता दूं, भजन संहिता 37:25, भजन संहिता 37:25 निकाली। हालेलुया, ध्यान से समझिए, ध्यान से मैं जो आपको बता रहा हूं, आखिरी वचन है ये। उसके बाद हमारे बच्चियां डांस करेंगी। आखिरी वचन है 37:25। हालेलुया, भजन संहिता 37:25 निकालिए बेटे, जल्दी करिए। मैं लड़कपन से लेकर, देखिए अब यहां पर दाऊद क्या बोल रहा है। हेलो, दाऊद क्या बोल रहा है? आप लोग कौन है? धर्मी है? Yes. बोलिए, मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। आपको धर्मी किसने बनाया? यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मुझसे बातें मत करिए, बोलिए मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। पीछे की बहनें बोलिए, मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। यहाँ की बहनें बोलिए, मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। भाई बोले, धर्मी हूँ। मैं धर्मी हूँ। मेरा बच्चा धर्मी है। मेरी पत्नी धर्मी है। मेरा परिवार धर्मी है। अंगीकार करिए, मैं धर्मी हूँ। क्योंकि वचन क्या कहता है, पढ़िए बेटा। मैं लड़कपन से लेकर दाऊद कहता है, बुढ़ापे तक देखता आया हूँ क्या? परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, और ना उसके वंश को उसके बच्चों को भीख मांगते देखा है। ये है धर्मी। जिस दिन आपने उसकी धार्मिकता ले ली ना, आप और आपका वंश किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। लोग आपके सामने आएंगे हाथ फैलाने के लिए, भैया हमें कुछ दे दो, आप नहीं फैलाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैंने आज तक, मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवान था और बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी धर्मी को कभी भीख मांगते हुए या हाथ फैलाते हुए नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर ने काम करने के लिए मना नहीं किया, धंधा करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आज से अपने काम पर विश्वास मत करिए, अपने धंधे पर विश्वास मत करिए, यीशु मसीह पर विश्वास करिए। आपके रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, आपके रुका हुआ धंधा आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। इसलिए जो मरियम कुमारी थी, उसके द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया, ताकि वो पवित्रता के साथ जन्मे, और वो क्रूस पर मरा, उसने अपना लहू बहाया,
ताकि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो हम पूरी तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, पापों श्रापों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे पाप दूर नहीं होते, हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। आपने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को पाया, हालेलुया। आज से यीशु मसीह आपका है। कितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरा पिता है, हालेलुया। बहुत से लोग आज नए आए हैं, इस आज ही मत आइएगा। सिर्फ कोई आपको लेकर आया, सिर्फ इसलिए आए नहीं मेरे बहन, कोई लेकर नहीं आया मेरे भाई, ये परमेश्वर आपको लेकर आए यहाँ पर। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई लेकर आया है, ये भाई लेकर आया, ये बहन लेकर आया, नहीं, ये परमेश्वर है जो आपको अपने घर में लेकर आया है। इसके कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, यीशु मसीह को अपना बना के रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन ग्रहण किया आपने? पक्का? तो जो आज नए आए हैं, मैं आपको उत्साहित करता हूँ, आप नेक्स्ट वीक भी आइए, छोड़िएगा नहीं, शैतान आपको रोकेगा। अगली शुक्रवार, अगला शनिवार, अगला रविवार आप जब घर से निकलने लगेंगे, शैतान आपको रोकेगा, अरे क्यों जा रहा है? कोई आपका रिश्तेदार बोलेगा, कोई आपका रिश्तेदार बोलेगा क्यों जा रहा है? हो सकता है आपको बुखार आ जाए, हो सकता है आपके अंदर कमजोरी आ जाए, आपको कलीसिया आने से शैतान रोकेगा। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, विश्वास के संग अपना कदम उठाइएगा और कलीसिया आइएगा यीशु से मिलने के लिए, यीशु से मिलने के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं ब्रदर, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। मेरा स्वार्थ इतना है कि आपके जीवन में प्रभु काम करे, मेरा स्वार्थ इतना है कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले। क्या आप नहीं चाहते आपको सुख मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आप बंधनों से आजाद हो जाएं? यीशु मसीह कोई धर्म लेकर नहीं आया, कोई धर्म नहीं लेकर आया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपको धर्म की बात बता रहा हूं, तो नहीं भैया, आप जिसको मानते मानिए, हेलो, आप जिसको मानते मानिए, लेकिन यीशु मसीह का नाम लीजिए विश्वास के साथ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत मानिए, आप यीशु मसीह का नाम विश्वास के संग लीजिए और आइए, हफ्ते में एक दिन आइए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके नाम में यीशु का नाम, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में चैलेंज, आप खुद देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार। प्रेज़ द लॉर्ड, खुद होगा, करने वाला कौन है? यीशु, जो मरकर जिंदा हो चुका है।